हर साल फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिव भक्तों के लिए यह पर्व बेहद खास होता है। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को मनाया गया। भोलेनाथ की पूजा करने के लिए यह दिन श्रेष्ठ माना गया है। यह शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। ऐसे मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान कई लोग उपवास भी रखते हैं, जो बेहद शुभ माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग पर विराजमान होते हैं, इसलिए इस दिन की गई शिव की उपासना कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे में पूजा करने के अलावा दान करने का भी विशेष महत्व है। दरअसल दान का जीवन में बहुत महत्व होता है। बिना स्वार्थ के गुप्त रूप से किया गया दान बहुत ही पुण्यकारी होता है। राधे राधे, सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, एकदम हार्दिक बधाई। यहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर से हमारा आशीर्वाद चौक पे है और आज एक बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि आज के दिन भगवान स्वयं शिव की शादी थी और इसलिए उनका महाशिवरात्रि व्रत भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन उनकी शादी भी थी। और आज के दिन जो भी भक्त श्रद्धा से पूजा और भाव करेगा उसको भक्ति का फल अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि स्वयं भोले शंकर इस पर बहुत बड़ी कृपा करते हैं। और कोई भी भक्त यहाँ से कभी निराश होकर भी नहीं गया और जो भी उन्होंने यहाँ पे मांगा है वो उन्हें शीघ्र मिला है। आज के दिन माना जाता है 2 जनवरी का विवाह हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, जिसमें हम शक्ति जी को जल चढ़ाते हैं, पार्वती जी को पानी की निशानियाँ जो भी होती है मेहनत वगैरह सब चढ़ाई जाती है, उनके दीपक चढ़ते हैं, उससे नहाया जाता है, जगह जगह भंडारे होते हैं। मेरा नाम MS रावत, मैं द्वारका डिपार्टमेंट सेक्टर 12 से बोल रहा हूँ। महाशिवरात्रि के बारे में, आज जो है भगवान शंकर का जन्मदिन भी है और भगवान शंकर का आज विवाह भी हुआ था, इसलिए इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे द्वारका वासी सारे सेक्टर 12 के लोग सारे बड़ी धूमधाम से आज शिवरात्रि मना रहे हैं। और जय भोलेनाथ की, जय शंकर भगवान की, जय। एक चीज और सर, पूजा का कैसा कार्यक्रम होता है, किस तरह से किया जाता है? ये तो पंडित जी ज्यादा बता सकते हैं, आप किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये है कि सुबह नहा धो के जो है अपना मंदिर में अपना जल चढ़ा के भगवान शंकर को जल चढ़ा के और आरती करके और शाम को जो है अपना व्रत, आज व्रत है, पूरा दिन हमारा व्रत रहेगा और शाम को जो आरती वारती करके फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे। हमारा भी यही बाकी चैनल सबको महाशिवरात्रि। मेरा नाम ईश्वर है, द्वारका में रहते और इस पर्व की तो अलग ही ना मान्यता है। शिवरात्रि हम तो फैमिली के साथ सब ऐसे मंदिर आते हैं, पास रखते हैं और एक अच्छी सी फीलिंग आती है पूरे दिन, तो बस शिव जी का नाम यहाँ बैठ के हम ले रहे हैं शहरों में। ये किस तरह इस पर्व को किस तरह से मनाया जाता है? मनाने सबका अपना अपना है, कैसे पूजा पाठ का क्या करते हैं? पाठ देखो, हम जो जिस तरीके से करते हैं अपने घर में नॉर्मल अपनी पूजा करेंगे, ठीक है, यहाँ आए मंदिर में शिवलिंग में अपना दूध अर्पण करेंगे, पानी अर्पण करेंगे और अपना बच्चों को जो भी अपना प्रसाद वगैरह देंगे, तो इस तरीके से हम मतलब नॉर्मल तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हम दोनों पास रखते हैं पूरे दिन, अपना जो भी फ्रूट्स वगैरह नॉर्मल खाते हैं बस वैसे ही करेंगे और शाम को अपना अच्छे से भोग लगा के सबको बच्चों को खिलाएंगे और पूजा पाठ करके अपना दिन का अंत करेंगे। मेरा नाम वानी है और मैं द्वारका सेक्टर 3 में रहती हूँ। तो ये हम लोग हमेशा हर महाशिवरात्रि के पर्व पे द्वारका कालीबाड़ी में जरूर आते हैं और महाशिवरात्रि का पर्व आज का महत्व यही है कि आज हमारे महादेव, देवों के देव महादेव की और माता पार्वती की आज शुभ विवाह का मुहूर्त है और आज उन लोगों के विवाह के मुहूर्त में हम शिव जी को अभिषेक करते हैं और अभिषेक हमने अभी दूध, जल, फल, हल्दी, चंदन हर चीज से अभिषेक किया। तो आज का मुहूर्त हमारा सबसे शुभ मुहूर्त है
और बहुत ज़्यादा बहुत महापर्व, मतलब देवों के देव महादेव को सबसे बड़े देव कहते हैं। तो इसी शुभ अवसर पर हम सर परिवार यहाँ पे शिव जी का अभिषेक करने आए हैं। नाम से शिवरात्रि, मेरा नाम पूजा सिंह है। आज महाशिवरात्रि पर्व है और हम सब बहुत धूमधाम से मना रहे हैं इसे, और भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, अच्छी अच्छी सबको आशीर्वाद दे और सबको सदबुद्धि दे, सब लोग अच्छा काम करें, अच्छा समाज बनाए, और भगवान से दुआ की सबके लिए अच्छा करें, बुरे कामों का नाश हो, पाप का नाश हो। कालीवाड़ी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हमारा कालीवाड़ी का नाम है, मेरा नाम है जयंत कुमार घोष। ये कालीवाड़ी का हमारा कालीवाड़ी का आज शिवरात्रि पूजा और शिव प्रतिष्ठा दिवस दोनों एक साथ में हो रहा है। आज शिव प्रतिष्ठा दिवस है, हमारा आज ही का दिन में हमारा शिव प्रतिष्ठा हुआ था यहाँ मंदिर में। और आज शिवरात्रि है, सुबह से सुबह 6 बजे से ये दर्शनार्थी या डिवोटीज वो लोग आ रहे हैं पानी शिव जी को पूजा करने के लिए। तो हम यहाँ सब सुविधा रखा सबके लिए, आज तक तरीके का सुविधा रखा जो आपके ठीक से वो भी सब लाइन में खड़ा है। मेरा नाम महेश गोयल है जी। और आज का व्रत जो है मन की शुद्धि के लिए है। हमारा तो हर व्रत जो है जो भी होता है वो तन मन और आत्मा की शुद्धि के लिए होता है, और शिव तो जो है वो वैसे ही परम पवित्र है, तो उससे बस वो मन की आत्मा जो है इंसान शिवमय हो जाए मनुष्य, तो इसी के लिए ये व्रत किया जा रहा है। अच्छा, इस व्रत का कितना दिन का होता है व्रत, किस कैसे किया जाता है? सिर्फ आज के लिए होता है हमारे यहाँ पर जो है, जब तक क्योंकि हम लोग हरियाणा के देसी परिवार से हैं तो हमारे यहाँ तो इसका व्रत जो है वो एक समय का जो है फलाहार होता है। अच्छा। सुबह के समय जो है और शाम के समय जो है जो नित्य भोजन होता है हम लोग वही करते हैं। क्या नाम है? मेरा उज्ज्वला गोयल जी। मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। अच्छा। हम दोनों मिलकर पूजा करेंगे। अच्छा। और भगवान से कामना करेंगे कि हमारा दंपत्य जीवन जो है बहुत अच्छा चले, हर तरह की जिंदगी प्राप्त करें और हमारे परिवार हमारा संसार। और इसको इसका कुछ विधि बताएं किस तरह से किया जाता है? विधि किया जाता है, जल अभिषेक करेंगे और जल अभिषेक साथ में, ये सब चीज, और दूध अभिषेक करेंगे साथ में, और हम दोनों का व्रत रखे हैं तो फलाहारी से व्रत खोलेंगे। मेरा नाम मनीष देवी है, उत्तराखंड से हूँ, यहाँ द्वारका में रहता हूँ। कौन सा सेक्टर में रहते हैं सर? सेक्टर 12। तो आज का ये महाशिवरात्रि का पर्व सर, इसके बारे में कुछ बताएं। महाशिवरात्रि का पर्व इसके मनाते हैं क्योंकि आज शिव जी का दया हुआ था, तो ये एक बहुत ही पवित्र दिन है आज का, और देवों के देव महादेव उनका दिन है, उनका ब्याह का दिन है, तो बहुत ही पवित्र इसलिए मनाया। मेरा नाम मुकेश जिंदल है, सेक्टर 12 द्वारका में रहता हूँ मैं, और एक बिजनेस मैन हूँ मैं। तो सर, आज का ये महाशिवरात्रि का पर्व है जी, इसके क्या महत्व है सर? इसका महत्व ये होता है, इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इसको शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, और इससे सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पर्व को इस महाशिवरात्रि को मनाने से हिंदू धर्म के प्रति क्या क्या प्रतिपालन होती है? इससे यही है कि लोगों की आस्था बढ़ती है, लोगों का धर्म के प्रति विश्वास बढ़ता है, एकजुटता बढ़ती है, आस्था बढ़ती है, यही सब होता है। इसका क्या नियम होता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे? इसके नियम में पूजन की सामग्री होती है और पंचामृत होता है, बेलपत्र वगैरह होते हैं, शिव जी भगवान को सबसे पहले पंचामृत चढ़ाया जाता है, फिर बेलपत्र, फूल मालाएं, और बेर का भी बहुत महत्व होता है इस दिन, और बेलपत्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ये सब चढ़ाया जाता है। उसके बाद आरती की जाती है और शिव चालीसा की जाती है, ये सब किया जाता है। अनिल गर्ग जी, ये महाशिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि पुराण में ख्यात है कि इस दिन शिव जी का विवाह हुआ था, इस दिन को हम खूब धूमधाम से मनाते हैं। हर प्रत्येक व्यक्ति को इसको मनाना चाहिए और शिव जी की आराधना करनी चाहिए। इससे क्या फल मिलता है? देखिए, ये अपनी एक आस्था है, अगर जो आप परमात्मा को फल की इच्छा से पूछते तो कृपया मत पूछिए, क्योंकि देने वाला सब कुछ वो है,
जैसा आपने किया हुआ वो तो आपको मिलेगा मिलेगा। ये एक एनर्जी को सेंट्राइड करने के लिए कोई भी पूजा अर्चना की जाती है, ताकि उस क्षण के लिए हमारा दिमाग बाह्य स्तर से हटके एक केंद्रित हो और माइंड फोकस होके हमारे अंदर एनर्जी का प्रचार होता है। मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं बालाजी फिल्म्स ट्रैवल कंपनी से हूँ और आज महाशिवरात्रि पे मैं सब लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और मंगल कह रहे सबके लिए। उसी के उपलक्ष्य में आपने एक भंडारा आयोजित किया है जो कि सेक्टर 22 द्वारका में हो रहा है। मैं सबको इन्वाइट करता हूँ और सबको हैप्पी शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैम देखिए, जब भी थोड़ा फ्री होते हैं तब भी कराते हैं, वैसे तो शेड्यूल आज के डेट में आपको पता है सब कुछ होगा, लेकिन आज वो करवाने वाला तो भगवान है, हम तो सिर्फ ट्राई करते हैं, जब होता है वो करा देता है। महाशिवरात्रि से जुड़ी यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे अपडेट के लिए जुड़े रहिए द्वारका सिटी न्यूज के साथ।